दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है 14 अगस्त है, तो आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। तो अभी जो है मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, आम से कपड़े पहना हूँ, नहीं फ्रेश हूँ अभी तक। तो अभी अब्दुल वासी भी फ्रेश नहीं हुआ, आम से कपड़े पहने हैं, बस एक बैच लगाया है मैंने छोटा सा। तो फिर आप लोगों को मिलते हैं रेडी होकर। चारों फ्रेश होने, तो ये बैच है हमारे पास और ये बैंड और ये थोड़े वो हैं, क्या कहते हैं, कार्ड 14 अगस्त की, तो ये भी दे देंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं। तो फाइनली जो है मैं रेडी हो गया हूँ पूरा, और मैंने वॉच वॉच पहन लिया, हाथ में बैंड पहन लिया, और यहाँ पर बैच भी लगा लिया मैंने, और मैंने 14 अगस्त की टी शर्ट भी पहन ली है। देखें कितनी अच्छी लग रही है, वाइट कलर की, और ग्रीन जो है पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है इसके ऊपर, और अब्दुल वासी ने देखा माशाल्लाह से कैसे पहने हैं ड्रेस, आधे ने ग्रीन शर्ट पहनी। तो मेरे पीछे जो डेकोरेशन दिखी रही होगी, क्या डेकोरेशन की, हम लोगों ने झंडियाँ लगाई थी यहाँ पे, ये धागे से बांध के लई लगा के, पहले बहुत करते थे, अब तो नहीं करते, इतना नहीं सजाया इस बार, थोड़ा बहुत किया मगर वासू का शौक है, पहले मुझे था मगर वासू हो गया, छोटे होते हैं तो भाई सबको शौक होता है लगाने का, हमने लगाए थे। और भी दिखाता हूँ, और भी जगह पर लगाई है लड़ियाँ, और ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर लड़ियाँ लगाई हैं, सुंदरी लगी हुई हमारी, इसके नीचे यहाँ पर हम लोगों ने लगाई हुई लड़ियाँ, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। मैंने और अब्दुल वासी ने मिल के बनाई है, दोनों की मेहनत है, और बनी अच्छी है, और लगी अच्छी है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाई है, दरवाजे पे भी हम लोगों ने लगाई है कुछ चिड़ियाँ, हर जगह लड़ियाँ, तो हमने बहुत कुछ लगाई है। अभी आप लोग दिखाते हैं दरवाजे पे, कितनी अच्छी लग रही है जो लड़ियाँ, अच्छी लग रही है साड़ियाँ, लड़ियाँ लगाई थी बड़े, ये भी कितनी अच्छी लग रही है, और कितनी लगाई थी, और वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ पाकिस्तान कितनी रहा होगा छोटा सा, और लड़ियाँ देखने में अच्छी लगी, कितनी अच्छी लग रही है, खोल के दिखाता हूँ। एक कैट ये सो रही, और एक और भी यहीं कहीं सो रही होगी, ये देखें सोफे पे सो रही है, चादर रखी हुई ना, तो उसके ऊपर सो रही है सर। दूसरी बिल्ली जो है यहाँ पे सो रही है हमारे किचन में। थोड़ा एनिमल्स के पास आ गए थे हम लोगों ने बोला थोड़ा एनिमल्स को भी देख लेते हैं क्या हाल चल रहे हैं लोगों के। भाई बकरे उनकी तो माशाल्लाह से सही ग्रोथ चल रही है, भाई फुल मेहनत करते हैं माशाल्लाह से, फ्लाई फ्लाई माशाल्लाह से सही चल रही है दोनों की, भले बकरे की भी सही चल रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह जरूर बोल दिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी चलते हैं कबूतर जो है अभी हम लोगों ने खोले हैं आके, तो कबूतरों को दाना भी डालना है, मगर इसके पाँव में रस्सी फंस गई, अरे भाई रस्सी भी फंस जाती है लोगों की, हाँ तो रस्सी इन लोगों की खोल दी, और कबूतरों को अभी दाना वाना डालना है बाबा जी, तो कबूतरों को खोल दिया था, और खरगोशों का खाना खाना है भी, और कबूतर जो है सारे खुले हुए हैं, चावल खा रहे हैं, और बाजरा भी उसके अंदर अलग से, तो ये लोग वो खा रहे हैं, और बेबी पिजन के साथ एक बैठ नहीं उसे कि इसकी मदर जो है ना कबूतरी, वो जो है ना बिल्ली ले गई है या फिर वो उड़ गई, शायद उड़ गई है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि बिल्ली लेके तो नहीं आ सकती, बंदी होती है उसके साथ, बेचारे को हाथ से खिलानी पड़ती है खाना, पीठ हाथ से देनी पड़ती है, क्या करें बेचारे की, वो ही नहीं है कबूतरी अब, और ये लोग जो अभी दाना वाना खा रहे हैं सारे, और चावल इनके पास। अभी अभी मैंने बेबी पिजन को खोला यहाँ से, तो उड़ता हुआ खुद गया, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उड़ता हुआ खुद गया और आया, और इनके साथ दाना खाने लग गया, मैंने और दाना डाल दिया, चावल भी खा रहा है उनके साथ ही, ये देखिए छोटा सा जो दिख रहा है ब्लैक कलर का ये वाला, ये है अभी बच्चा, और अब माशाल्लाह से सबके साथ घुल मिल गया, मगर अब कोई कबूतर ऐसे मारता भी नहीं, ना ही अब हाथ से खिलाने की ज़रूरत होगी, शुक्र है कि अब ये खुद ही खा लेगा, अच्छी बात है। मैं आया था गार्डन में आप लोगों को पौधे दिखाने, हमते हैं एलोवेरा और वो कड़ी पत्ते का, तो मगर यार कौओं को जो है खुशियाँ बर्दाश्त नहीं, जो मैंने 14 अगस्त की टी शर्ट पहनी थी ना, तो उसके ऊपर जो है ना कौए ने पीट कर दी, तो मैंने घर पे आके वो चेंज करी, और ये वाइट टी शर्ट पहन ली है, ये गुजारा है ये भी वाइट है, तो मैं आप लोगों को एलोवेरा और ये दिखाने आया, तो ये नीम का दरख्त है ना इस पर बैठे होते हैं, तो मैं यहाँ पे आया ही है ऊपर से टप निशाना पक्का था, यहाँ पे आके डायरेक्ट कंधे पे लगा मेरे, तो मैंने शर्ट चेंज कर ली और बैट लगा लिया, चलेगा वाइट शर्ट है, तो माशाल्लाह से आप लोग इनकी ग्रोथ चेक करें, भाई नीचे से जो है ना वो सूख रहे थे, तो मैं ये देखा खुद ही गिर गए सूख के,
अब हम लोगों ने सोचा भाई अब तोड़ लिया करेंगे नीचे नीचे, तो ऊपर से उगने दिया करेंगे, बढ़ोने देंगे नीचे ऊपर से। देखें देखें अभी कितने कितने से निकल रहे हैं छोटे छोटे से। ये पहले नहीं था, ये सिर्फ यहाँ तक था, ये इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह से। और ये एलोवेरा तो आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों ने लगाया था, इसकी बीच वाली साइड जो ख़राब हो गई थी तो हम लोगों ने वो बीच में से हटा दिया, काट दिया है यहाँ से। बाकी ये थे दो, और ये जो नए निकले हैं माशाल्लाह सी की शादी, छोटे छोटे से थे इतने इतने से जब लगाया था, मगर अब ये देखें ये नए निकले हैं, ये नए निकले हैं, ये और ये दो तो पुराने वाले हैं। ये दोनों जो है ना पहले ही थे, ये बीच सेंटर वाला और कॉर्नर, ये दोनों जो है ना अभी अभी निकले हैं। बड़ी खुशी हुई यार, कभी हम लोग ज़िंदगी में आज तक कामयाब नहीं हुए थे पौधे लगाने में, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये हमारा कड़ी पत्ता भी, पानी तो हम रोज़ाना दे देते हैं, देखते हैं बड़ा होते हैं या फिर नहीं। हम लोग गार्डन में आए हैं तो अमरूद वगैरह देख ही लेते हैं कि अमरूद वगैरह निकल भी रहे हैं नहीं, क्योंकि एक हफ्ता पहले आया था मैं उनको जो चेक करना, और दो या तीन ही मिलते हैं यार बड़ी मुश्किलों से ढूंढने के बाद। अभी जो है कुछ कच्चे भी होते हैं, कभी कुछ पके हुए मिल जाते हैं। अभी तो आज खाली लग रहा है, दर की चुड़ियाँ हैं ना वो ले आती हैं, तो हमारे नसीब में तो कुछ होता ही नहीं है भाई, चुड़ियाँ ही ले आती हैं माशाल्लाह से। सारे चुड़ियों को अमरूद बहुत पसंद है, खा जाती हैं, और कोयल वगैरह भी आती हैं यहाँ पर तो वो भी ले आती हैं कुछ। और ये देखें ये कच्चा है छोटा सा, एक गेला हुआ छोटा कच्चा, और एक गेरा छोटा सा। अभी जो है कच्चे हैं, पकेंगे ना फिर इनको तोड़ेंगे, कभी कभार हमारी नसीब में होते हैं, वरना चुड़ियाँ ले आती हैं यहाँ पर कोयल। एक हफ़्ता पहले आए थे इन्हें चेक करने। लीमू, ये लीमू का छोटा सा दरख्त है, बढ़ रहा है मगर फल नहीं निकल रहा इसमें से, मतलब लीमू लीमू का सीज़न चल रहा है और लीमू ही नहीं है भाई इसमें, देखेंगे लीमू ही नहीं दिख रहा है पूरे में, पूरा खाली पड़ा हुआ है, लीमू ही नहीं है। बाकी इधर आए तो भाई ये देखें मौसमी और कीनू है, या फिर ये सीज़न आ रहा है तो भाई जैसे जैसे, तो एक कीनू है या फिर मौसमी है अभी पता नहीं, क्योंकि छोटे हैं और ग्रीन बहुत हो रहे हैं ना, जब कलर आएगा और जब बड़े होंगे तो पता चलेगा। आप लोगों को पता है तो क्या है तो कमेंट में बता दें क्या चीज़ है, कीनू है या फिर मौसमी। इतना तो पता है कीनू या मौसमी में से ये, क्योंकि हमने एक काटा था तो खुशबू कीनू की तो नहीं आ रही थी, वैसे मौसमी की आ रही थी, फिर भी एहतियातन ये कीनू या मौसमी पता नहीं, मगर है देखें कितना छोटा, अल्लाह की कुदरत चेक करें माशाल्लाह से कि इतना छोटा दरख्त है और उसने भी फल उठाए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने सारे निकल रहे हैं, क्योंकि इनका सीज़न आने वाला है ना, तो इस वजह से ये देखें ये दो बहुत हैं, और भी निकलेंगे मगर अभी जो है ना इतने ही हैं। मैंने बोला चलें ये भी बता देता हूँ, और ज़रा ये अल्लाह की कुदरत भी चेक करें ज़रा आप लोग, आधा दरख्त जो है ग्रीन हो रहा है और आधा जो है ऑरेंज हो रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा माशाल्लाह। दो दरख्त हो गए, सूख गया आधा दरख्त, आधा दरख्त जो है ना अभी हरियाली है गिन रही है उसमें, और बाकी ये देखें सारे अभी ग्रीन हो रहे हैं, और भी सारे लगे हैं। और ये जो है नारियल का, ये जो काट कटवा दिए इसे, और ये सारे दरख्तों, और वो जो है आम का दरख्त है सबसे बड़ा यहाँ का, सबसे बड़ा दरख्त है और वो आम का। आम का सीज़न आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है तो वो उसमें भी अब नहीं है, वरना पहले बहुत होती नहीं कैरी और आम और अब नहीं है माशाल्लाह से। आप लोग ये चेक करें कितना प्यारा फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर हैं, क्योंकि गार्डन है ना तो फ्लावर वाले पौधे बहुत हैं। ये पौधा चेक करें, ये ग्रीन, ये वाइट, ये ग्रीन, बीच में वाइट, कितना अच्छा लग रहा है अभी दिखाता हूँ पीछे को, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बीच में वाइट दोनों तरफ ग्रीन है माशाल्लाह। बकरे इतने दिनों बाद खोल लिए हम लोगों ने, सही है भी इनको घासों में फिर लेके आ रहे हैं, फिर मस्ती में क्या पहला, और ये दोनों यहाँ पे देखें कितनी सारी घास हो गई है बड़ी बड़ी सारी, ये लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता खाते रहते हैं, रोज़ाना इन लोगों को छोड़ देते हैं शाम में, तो आज भी छोड़ दिया हम लोगों ने 14 अगस्त, तो भाई आज़ादी मुबारक हो तुम लोगों को भी, आज़ाद हो गए दोनों। अब ये खाते रहेंगे थोड़ी देर, उसके बाद जो है वहीं पर ही खुदा जाएंगे, तो फिर हम लोग इन्हें बांध देंगे,
और मगरिब भी होने वाली है, अभी लोग बनाते बनाते सुबह से मगरिब होने वाली है। ये देखिए दोनों खाना खा रहे हैं अभी, ग्रास बड़े दिन हो गए, इन्हें खोला भी नहीं था। हम 3-4 दिन हो गए थे क्योंकि थोड़ा काम वगैरह थे तो उसकी वजह से खोल नहीं रहे थे, और आज हमने बोला चलो इन्हें खोल ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। खोलते थे रोज़ाना शाम में इसी टाइम पे, मगर 3-4 दिन नहीं खोला। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दी, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला अब्दुल्ला से इजाज़त दीजिए, खुश ना बांटें, चीज़ों ने आनी रखिएगा, और आप सबको एक बार फिर से 14 अगस्त मुबारक हो।